ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ जब दिनेश मोहन ने अपने आप को एक कमरे के विच आपां कहता एक घर कह दें एक घर भी नहीं एक कमरे के विच बंद कर लिया सी उत्थे ही खांदा सी उत्थे ही पींदा सीगा बाहर भी नहीं निकल रहा सी भी ऐसा की लाइफ के विच फेज आ गया भी सारा कुछ जिहड़ा एडी वधिया जॉब तो भी छेती रिटायरमेंट ले ली जो भी मैनू मिलदा सी वो पुछदा सी यार की हालत हो गई तेरी की कर लिया जॉब छड्ड दित्ती है हो गया हो गया मेरे कोल कोई जवाब ही नहीं सी सो एक इम्पॉसिबल ड्रीम लगता सी कि हुण मैं कदी लाइफ विच चार कदम नॉर्मल चल भी पावांगा मतलब मेरा जिंदगी सब तो वड्डी जड़ी जद्दोजहद सी वो ऐसी सब तो वड्डा ड्रीम कि काश हुण मैं कदों चल पावांगा लोगों नूं लाइफ दे विच कुछ उन्हां दी परसनल इशूज करके कुछ जॉब इशूज करके कुछ मतलब कि मनी प्रॉब्लम करके कुछ इदां दे डिप्रेशन रोग लग जांदे ने कई ऐसे स्टैप चक लैंदे ने सुसाइड स्टैप चक लैंदे ने थोड़ी लाइफ दे विच भी कई इदां दे स्टैप आए होणे जदों तुसीं सोचा होगा भी बस हुण मेरी जिहड़ी लाइफ है वो खत्म हो चुकी है जी बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो गईयां सी मेरियां और डिप्रेशन दे बहुत अजीब रूप हैं तुसीं देख रहे हो अजकल लोग किन्नियां खबरां आ रही हैं डिप्रेशन दे नाल सुसाइड दियां और थैंक गॉड कि मैं सही टाइम के उपर उन्होंने फाइट कर लिया और उस चीज़ तो निकल गया मैं लाइफ इनफैक्ट जिन तुसी जीना चाहो उंझ दी बन जाती है सो बाहर दे हालात चाहे कुछ भी होन तो अंदर दे हालात वधिया होने चाहिए हैं वो मेरे चढ़दी कला विच गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले सत श्री अकाल दोस्तों मैं गुरप्रीत सिंह बल जिंदाबाद चैनल पर एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करना एक नवी वीडियो के नाल उम्मीद करते हैं तुसी सारे ठीक ठाक होंगे कोरोना के इस टाइम के घरे होंगे अपने परिवार का अपना ध्यान रख रहे होंगे एक नवी वीडियो के नाल अज थोड़े ना मुलाकात एक ऐसे शख्स की कराऊंगा कि एक ऐसे गभरू की कराऊंगा मुछफुट गभरू कह दिए जो भी कह दिए मैं लगता हरेक वर्ड जिहड़े ने वो घट ने घट इस करके ने क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना अजक हर एक मुंडा कुड़ी चाहे कोई भी होजक तो साढ़े पेरेंट्स भी टिक 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 बस स्क्रीन पर देख लगे होंगे ने उस स्क्रीन के उत्ते एक जोड़ी बड़ी फेमस हुई सी टिकटॉक कर लिए टिकटॉक तो पहले मॉडलिंग कर लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई सी ते फेमस इस एज दे विच होए जिस एज दे विच आपां अक्सर पंजाबी आपां पंजाबी फैमिली नूं बिलोंग करदे आं पंजाबी फैमिली वाले कह देंदे ने हाए मेरे गोडे हाए मेरे मोडे मैं गल कर रहा जी बई दिनेश मोहन जी उन्हां दी अज साडे नाल मौजूद ने उन्हां नाल असीं खुल्ह के गल्लां बातां करांगे उन्हां दी लाइफ बारे क्योंकि उन्हां दी लाइफ दे विच एक ऐसा फेज़ आया सी जदों उन्हां ने बहुत साल अपने आप नूं कमरे दे विच बंद कर लिया सी की फेस सी की कारण बन गए उन्होंने अपने आपको कमरे के बंद कर लिया किदा उस चीज़ तो कवर अप करके उन्होंने एक इंस्पीरेशन दे के लोगों के वास्ते जो डिप्रैशन के मरीज ने एक लोगों के वास्ते एक बहुत वड्डी अचीवमेंट एक इंस्पीरेशन दसी एक थंब बन के बाहर आए ने कि लोग उन्हों की लाइफ तो इंस्पायर होकर हूँ उन्हों का उन्होंने वागू बनना चाहते हैं मेरे नाल मौजूद ने अपना उन्होंने खुलियां गल्लां बातें उन्होंने लाइफ बारे करांगे आने वाले प्रोजेक्ट्स बारे करांगे की कर रहे हैं सब तो पहला आप भाई का स्वागत कर लेना भाई जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल दोस्तों यू मोस्ट वेलकम जी ठीक ठाक हो बिल्कुल ठीक है सब तो पहला सवाल है किवें चल रही है लाइफ वधिया चल रही है लाइफ इनफैक्ट जिन तुम जीना चाहो उंज दी बन जाती है सो बाहर दे हालात चाहे कुछ भी होन तुहाडे अंदर दे हालात वधिया होने चाहिए हैं वो मेरे चढ़दी कला विच क्या बात है भाजी जद भी थोड़ी प्रोफाइल नूं भी खोलिए ना अज पहली बार मिलन दा मौका मिलिया जद भी थोड़ी प्रोफाइल खोलदे आ बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा कई बार मन निराश हुंदा सवेरे सवेरे उठ के भी यार नहीं अज दा दिन वधिया नहीं जे थोड़ी प्रोफाइल खोलीए तां दिन बन जांदा है भी यार उठ मना लाइफ बहुत अगे है इह तुसीं बहुत वड्डी गल कीती है एंड मेरा ख्याल है इह बहुत वड्डा रिवॉर्ड है मेरे वास्ते कि लोग मैनू देख के जे खुशी महसूस करते हैं इंस्पायर्ड फील करते हैं और जीन की चाहत आती है इस तो इलावा मैनू होर की चाहिए क्या बात है क्या बात है सब तो पहला सवाल भाजी ये होगा कि दिनेश मोहन एक वो शख्स सी जो बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच चला गया सी कुछ लाइफ दे विच इदां दे इंसीडेंट हुए पर सब तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि मॉडलिंग की दिनेश मोहन ने स्टार्ट मॉडलिंग दे विच एडा क नाम कमा लिया महाराज की कृपा हुई अज सारे जानते हैं थोनू अपने शोज़ के बुलाते हैं पर मॉडलिंग बढ़ना किमें चाहिया शुरुआत किमें हुई भी असं इस इंडस्ट्री के स्टैप अप करिए देखो इंज है कि डिप्रैशन पता है सबनों कि मैं बहुत फाइट किया डिप्रैशन के नाल और बड़ी इंपॉर्टेंट गल है कि तुम डिप्रैशन के बारे गल करो खुद को दसो कि तुम डिप्रैसड हो वह कारण की है अपने आस पास वाले लोगों दसो
और मैं बड़ी देर सफ़र किया, वेट मेरा बहुत वध गया सी, और फिर रब की कृपा हुई और मैं अपनी विल पावर यूज़ की और फैमिली की मदद के नाल मैं इस चीज़ तो बाहर निकलिया। मैं कभी सुपने च नहीं सोचा सी कि मैं कभी मॉडल या एक्टर बन जावांगा, यकीन मनो मेरा। आई वॉज़ वन सच परसन जिन्हों पता भी नहीं सी कि मॉडलिंग की होंदी है, एक्टिंग की होंदी है, और 50 तो उपर 55 तो उपर भी मॉडलिंग की ऑपरचुनिटीज़ अवेलेबल हैं, यह मेरे खाबू ख्याल भी नहीं सी। पर लोगों ने देखा जदों एक फिजियोथैरेपिस्ट सी जिदे कोल मैं जांदा सी फिजियोथैरेपी वास्ते, चलना सीख रहा सी दोबारा, उहदे फादर ने कभी मॉडलिंग की सी किसी एजेंसी के नाल, मैं दिल्ली की गल कर रहा, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ महीनों के अंदर तुहाडे च आड़ी चेंज आ गई है, कितों के कितों तुसी पहुँच गए हो फिजिकली एंड मैंटली, तो तुसी ट्राई क्यों नहीं करते। तो पहला रिएक्शन होंदा ना कि यार पागल है तैनू मैं ही मिलिया। सो दैट वॉज माई रिएक्शन, बट आई डोंट नो, डेस्टनी धीरे धीरे तुहानू इशारा करती है। बिल्कुल। और मैं बहुत जल्दी उसी एजेंसी तो कॉल आ गया जिदी वो गल कर रहा सी लड़का, कि असी तुहाडी फोटो कितें देखी है और तुहाडा फोन नंबर बहुत मुश्किल लभ्या है, एक सानू जरूरत है तुहाडी एज दे मॉडल दी एक शूट वास्ते, तो तुसी ऑडिशन लई आ जाओ। तो वह दिन गया और अज दा दिन है देख लो। मैं बिल्कुल पता नहीं सी मैनू यह इंडस्ट्री की है, इत्थे रिक्वायरमेंट की है, किंज तुसी बिहेव करना है। आई गैस कि मैं अपना अलग ही रस्ता बनाया और जिद्दां मैं एंटर किया सी मैं अज तक उदा ही हाँ, कुछ मैं बदलिया नहीं अपने आप नू, जो मैं चाहता सी कि मैं लाइफ विच करा मैं उही सब कुछ कर रहा, और वो कुछ इस इंडस्ट्री नू सूट कर गया, मेरा बिहेवियर, मेरा आउटलुक, मेरा स्टाइल, और वो गल अगे तो अगे वधदी गई और ऊपर वाले दी दया होंदी गई। क्या बात है, क्या बात है भाजी। एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि सच्ची थोड़ी एज 61 है यार? 62 होने वाली है। क्या बात है, क्योंकि आउटलुक देख के बिल्कुल भी बंदा अंदाजा लगा ही नहीं सकता कि भी ये 62 दे होने वाले ने। मैं तो लगता दर्शक भी इस चीज़ तो हैरान होंगे, क्योंकि जिन्हें भी मैं अज इंटरव्यू करने तो पहला जब आ रहा सी ना, मैं मेरे साढ़े जो एडिटर है उन्होंने मैं दस्या भी मैं आपां इन्हां दे नाल इंटरव्यू करन लगे हाँ, वह बहुत खुश होया, कहिंदा मैं इन्हां दी वीडियोज़ बहुत देखदा, तो उन्होंने एक सवाल करिया कहिंदा यार इन्हां दी एज घट है, झूठ बोलदा है बंदा, ये जान के वध दस दे रहे, सच तां नहीं गल? इंडिया च कोई है जो वध दसदा अपनी एज? दसो तुसीं मैनूं, एक सर्वे कर लैंदे हां आपां, लोग 5 to 10 साल दा झूठ बोलदे आ अपनी एज च, ते मैं झूठ क्यों बोलांगा? एंड यू नो इहदे पिछे एक बहुत ही होर इंटरस्टिंग कहानी है, अगर जे तुसीं गूगल दे उपर चैक करो ना, तो एक होर जेंटलमैन है दिनेश मोहन, जो कि साइंटिस्ट रहे ने, IIT दे प्रोफेसर रहे ने, और उन्होंने एज 74 ईयर्स है जी। ते उना मेरा बायोडेट मतलब मेरी फोटोज उन्हों का बायोडेटा मिक्सअप होया हुआ, सो एवरीबडी थिंक्स के 74 ईयर्स जी, बिल्कुल, पर यह हूँ जान के 62 कह रहे हैं। तो मैं गूगल नू कई बार ईमेल भी पाई है बट कोई असर नहीं हुआ, फिर मैं क्या चलो क्वालिफिकेशन एडिया वधिया है, साइंटिस्ट IIT का, सोसायटी नू एडी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एज का की है, चलन दे हो, ओयो चलन दे हो। क्या बात है, बहुत वधिया बहुत वधिया। अच्छा पाजी, जब तुसी मॉडलिंग दे विच नहीं सीगे, उस तो पहला की बाय प्रोफेशन तुसी काम करदे होंदे? मैं गवर्नमेंट जॉब विच सी, और लाइक नॉर्मल रूटीन गवर्नमेंट ऑफिसर, मेरी डेस्क जॉब सी, टूरिंग जॉब सी, फाइलां जिन्हों सरकारी भाषा विच कहंदे ने कागज़ पिटन का काम सी, कागज़ कुटन का काम कह लो, जो भी कह लो, सो सीडेंटरी जॉब, डेस्क जॉब जिस विच कोई एक्टिविटी नहीं होंदी, तुसी 9 to 5 तक कम करते हो, सो आई वॉज इन दैट जॉब। बिल्कुल, क्या बात है। तो भाजी एक लाइफ के कहते एक ऐसा फेज आ गया सीगा जब दिनेश मोहन ने अपने आप नूं एक कमरे के आपां एक घर कह दें, एक घर भी नहीं, एक कमरे के बंद कर लिया, उत्थे खांदा सी, उत्थे पींदा सीगा, बाहर भी नहीं निकल रहा सी, भी ऐसा की लाइफ के फेज आ गया भी सारा कुछ जिहड़ा एडी वधिया जॉब तो भी छेती रिटायरमेंट लै ली, तो अपने आप को एक इन्ने ज़्यादा डिप्रैशन के सट लेना, इन्ने एक अपने आप से मारू चीज़ा देनिया, अपने आप को दवाइया खानिया, फलाना कुछ जो भी आप कह सकते हैं, भी ऐसा की कारण बन गई सी? जी बिल्कुल, सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी हो गई सी मेरिया, और डिप्रैशन के बहुत अजीब रूप हैं, तुसी देख रहे हो अजकल लोग किनिया खबर आ रही डिप्रैशन के नाल सुसाइड दियाँ, और थैंक गॉड कि मैं सही टाइम के उपर उन्होंने फाइट कर लिया और उस चीज़ तो निकल गया मैं, और अज तुहाडे सामने बैठा। सरकमस्टासिस मतलब बंदा बहुत कोशिश करता है, बहुत प्लानिंग करता है अपनी जिंदगी, मेरा फ्यूचर इंज होएगा, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मगर कई बार थोड़े हालात जड़े हैं और रब की जदों मार पैंदी है, तो वो फिर आई मीन आई शुड नॉट से रब की मार, बट हालात की जदों मार पैंदी है,
तो बंदे नूं समझ नहीं आता कि यह सब की हो रहा है। सो मैं अपने अंदर अंदर ही गुम होंदा रहा और बाहर तो जड़ा मेरा रिश्ता है दुनिया दे नाल और बाकी सब लोगों के नाल मैं धीरे धीरे कट ऑफ करता गया क्योंकि मेरे को अपने को ही जवाब नहीं सी। जो भी मैं मिलता सी वो पूछता सी यार की हालत हो गई तेरी, की कर लिया है, जॉब छड़ दी है, हो गया मेरे कोई जवाब ही नहीं सी। और रब जड़ा है वो कभी तुहानू मतलब देर इज़ नो कनैक्शन के तुसी उन्हां दी आवाज़ सुन सको डायरेक्ट पता कर सको कि यार मेरे नाल ही है सब कुछ क्यों होया, तो वो गिव अप कर दिता और धीरे धीरे बाहर निकलना बंद कर दिता, लोगों नू फेस करना बंद कर दिता। इको ही रिलीफ रह गया जिंदगी खाना, और बस खाने का बहुत शौक सी। पंजाबी फैमिली तो हाँ, बचपन तो दुध मलाइया दे उपर पालिया होया सी, ते बस वो मतलब हलवे बनवाने और तबीयत बड़ी ख़राब है, मूड लो है, कुछ मिठा खाने का दिल कर रहा है, केक मंगा लो, पेस्ट्री मंगा लो, और बिल्कुल पता नहीं सी कि मेडिकली प्रॉब्लम कर देगा और फिर डिप्रेशन मेरा इन्हों चीज़ों के नाल होर भी बढ़ जाएगा। सो फिजिकल एलिमेंट्स होने लग गई, ऑलमोस्ट हैंडीकैप्ड हो गया, बैड के उपर लग गया वेट इशू और मेंटल इशू दे करके। सो इंज दी लाइफ बड़ा लंबा टाइम मैं कट्टी है कि वी ऑल टेक वॉकिंग यू नो द एक्ट ऑफ वॉकिंग चलन का जड़ा उन्हों बहुत फॉर ग्रांटिड लैने आप ह्यूमन बीइंग्स आ उठने आ, दौड़ पैने आ, चल पैने आ। मेरे केस वो खत्म हो गया सी। सो एक इम्पॉसिबल ड्रीम लगता सी कि हुण मैं कभी लाइफ विच चार कदम नॉर्मल चल भी पावांगा। मतलब मेरा जिंदगी सब तो वड्डी जड़ी जद्दोजहद सी वो ऐसी सब तो वड्डा ड्रीम कि काश हुण मैं कदों चल पावांगा। सो ऐसी मेंटल हालत और फिजिकल हालत च आ गया सी। अपनी लाइफ दे विच जे तुसी एक शख्स दा धन्नवाद करना चाहो तां किहड़ा शख्स होगा? मेरी सिस्टर ऑफ कोर्स। ओ क्यों? मेरी सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, मतलब उंज ते इक्को ही हैं, हसबैंड वाइफ हैं। और बिकॉज उन्हां दी सपोर्ट जड़ी है वो मेरे तो बहुत छोटी है एज च, और न्यूली मैरिड कपल सी, उन्होंने अपने कुछ ड्रीम्स होने हैं, कुछ एस्पीरेशंस होनी है, घूमन फिरन की एज सी, और मैं एक बोझ की तरह यू नो लाइक अ बैगेज डेडवुड उन्हों की लाइफ आ गया बाय डिफॉल्ट। और मैनू लुक आफ्टर करने उन्होंने बहुत टाइम गया बट कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई शिकवा नहीं होया। और सब तो ज़्यादा मतलब है तो फैमिली, यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटिड, और मैं एडी फॉरमैलिटी नहीं करता कि मैं उन्होंने बिठा के कहाँ के थैंक यू वेरी मच, तो वो कह के पागल हो गया बट दे आर द पीपल जिन्होंने मैं संभालिया और सब के सामने फिर खड़ा होने की ताकत दी। तो वो खड़ा भी ऐसा होया शख्स कि अज दुनिया भी वाह वाह कर रही है, सब ऊपर वाले दी कृपा जी। भाजी एक सवाल मेरा जरूर होगा, जिमें थोड़ी पहचान है ना थोड़ी दाढ़ी तो, थोड़ी हेयर स्टाइल तो जानी जाती है, थोड़ी मुछा तो जानी जाती है, चिट्टे वाल अजक एज के ना जो देखिए तौले छेती आ जाते हैं। जे कहते भी तौले जे एक बाल भी आ जाए ना जदे डाई मंगा लेंगे ने मार्केट तो जदे ए काली जी करके बह जाएंगे भी चिट्टा बाल नहीं दिखण देना। भी थोड़े मन के आया भी चिट्टे बालों ही आप मॉडलिंग करिए, थोड़े मन के नहीं कर भी मैं भी डाई कर ला? एक पहचान मेरी तुम भुल रहे हो बहुत वीडी, तुसी कहा ना कि गोडे दुख जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल भी आप अगली गल करांगे अगला सवाल। देखो मैं जो ठीक होया सी थोड़ा जा और हाली मॉडल एक्टर नहीं बनया सी, तो माई मदर इज़ नाओ 94 ईयर्स ओल्ड, तो 90 साल दे होने हैं, 89 ईयर्स दे होने हैं। तो लाइक अ टिपिकल पंजाबी मदर, शी हैड ड्रीम्स के मैं तेरा ब्याह करना दोबारा, तैनू मैं सैटल करके रहना, हुण तू ठीक हो गया ए वाल वूल काले कर चिट्टे दाड़े दे नाल नहीं होना तो मैं शुरू ही एक दो बारी कीता बट दैन आई हैड सम कैमिकल रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन जो मैंने सूट बिल्कुल नहीं किया और मैं अनकंफर्टेबल सी बिकॉज मैंने लगता सी यार मेरे तो यह सब नहीं होएगा, झंझट मैं घूमन दो लाइक अ फ्री बर्ड, और मैं इन्होंने चक्करा चे और विह के पिछे तो मैं कभी नहीं कराना बिकॉज आई जस्ट वॉन्टिड टू एंजॉय लाइफ। सो मैं बंद कर दिता और फिर जो मैं इस प्रोफेसन आया तो बहुत ही डिफरेंट तरीके लोगों ने रिसीव किया एवरीबडी, क्योंकि जो फोटोग्राफर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने नज़र जड़ी है वो एडी तेज़ है फ्यूचर के बारे कि कितों ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो मैनू उन्होंने कहा कि तुसी वाल कभी कलर ना करना, यह वाल तुहाडे और दाढ़ी मुछ जड़ी है वो गोल्ड माइन है, होर किसी के नहीं है, सारे एक्टर मॉडल जड़े हैं वो रंग रहे हैं, एंड यू आर द ओनली परसन, सो तुसी ऐ ना करना और फिर देखना। सो आई थैंक ऑल ऑफ दैम जिन्होंने मैनू सलाह दी और
ਕਿਆ ਮਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾੜੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੜਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦਾੜੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਔਰ ਸਟਾਈਲ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁੱਲ ਮੱਚੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 61 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ 62 ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 올ਡ ਅੰਕਲ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁਰਤਾ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਈ ਲਵ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲਵ 올 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੈਸਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਰਤਾ ਧੋਤੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਤਾ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹਾ ਕੋਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੋ ਐਥਨਿਕ ਲੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅ ਮਾਡਲ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਦੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਜੋਬ ਇਸ਼ੂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੈ ਕਈ ਐਸੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਬਟ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਏਲਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਓਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਚੈਲੇਂਜਸ ਐਸੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ
ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। And God helps those who help themselves. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਟ 130-135 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਯੂ ਨੋ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈਪਟੋਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਬਟ ਦੇ ਆਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 20-25 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 74 kgs ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ 78-80 ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੀ ਵੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਬਾਏ ਡਿਫੋਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਸ਼ੂਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਹਰ ਡਰੈਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਰੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਰਵਸ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਐਡਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੈਂਪ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਵ ਦੀ ਰੈਂਪ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਫਲੈਸ਼ ਬਲਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੀਚਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੀ ਕਲੈਪਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਗਰ 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂ ਨੋ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੈ? ਨਾਓ, NOW, ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨਾਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੀਓ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ, ਟਰੱਸਟ ਮੀ, ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਇੰਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਹਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਜੋ ਹੋਤਾ ਥਾ ਨਾ, ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਸ। ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
अज भी कई कई बार सवाल कर देते कई लोग भी जरा जब मैं दसा कि मैं बाई उन्होंने मिलन जा रहा हूँ मेरी जी नैक्सट इंटरव्यू है बाई उन्होंने है वो कहते हैं भी उन्होंने फिर मैडम भी आवगे उन्होंने वाइफ ने मैं क्या नहीं बहुत लोगों को भुलेखा है मैं चाहना भी तुम दर्शकों भी दसो कि वो किमें थोड़ी उन्होंने वो मैडम मुलाकात हुई तो कितने मुलाकात हुई तो किमें थोड़ी जी वीडियोज़ ने इन वायरल हुई जी वो सपना दत्ता मैम है उन्होंने ना और वो एक सीनियर एज मॉडल और एक्टर हैं और मेरे तो ज़्यादा टाइम उन्होंने इंडस्ट्री हो गया 12 साल हो गया उन्होंने इंडस्ट्री वो मेरे तो एज वड्डी हैं और सारी उम्र वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड रही हैं आर्किटेक्ट हैं वो और उनके पति एंड वो गुड़गांव दे विच सैटल्ड हैं और मैं एक्टिंग असाइनमेंट्स ही मिले सी और साडा एडा अच्छा बॉन्ड हो गया कि उस तो थोड़े दिन बाद ही राखी सी रखड़ी का त्यौहार से और उन्होंने मैं राखी बननी शुरू कर दी बट असी लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हाँ सो स्क्रीन दे उपर सानू एज कपल पेयर किया जाता है और साड़ी कैमिस्ट्री एज ह्यूमन बीइंग्स एडी अच्छी है कि कॉम्फर्ट लैवल एडी अच्छी है कि भैन भरा है फैमिली वाली फीलिंग है शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी तो वीडियोज़ में बहुत अच्छी रिफ्लैक्शन आती है उन्हें सब चीज़ों की बट वो मेरे मानयोग हैं वड्डी सिस्टर टाइप हैं और मैं क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी को क्लैरिफाई करना मैं जरूरी नहीं समझता एक एलीमेंट ऑफ मिस्ट्री जो बनया होया बनया रहे मैनू और उन्होंने पता है उन्हों की फैमिली पता है मेरी फैमिली पता है बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये बाकी जोड़ी जी है ये जचती भी बहुत है क्योंकि आप स्क्रीन पर जो गल करिए तो स्क्रीन पर जोड़ी लोगों ने प्यार भी बहुत किया अगला जो सवाल भाई मेरा यह होगा कि जोड़े लोग थोड़े पहला तो जिम्मे हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के भी काम किया ऑफिसर लाइन के उत्तर रिटायरमेंट ली जे थोड़े वो टाइम जो कलीग्स हो गए जब तुम अज मिलते हो पहचानते हैं नहीं कोई नहीं पहचानता कोई नहीं पहचानता क्योंकि बहुत टाइम हो गया बहुत वक्फा निकल गया 2004 मैं रिटायरमेंट ली सी और अज हूँ 2020 है और सब लोगों की अपनी स्टोरी है हो सकता है मैं भी उन्होंने ना पहचाना जे आमने सामने आ जाने क्योंकि बहुत लंबा टाइम निकल गया और वक्त की मार जड़ी है वो कई नहीं सूट करती मेरे वर्गे ढीठ लोगों को कई बार सूट कर जाती है और चेंज हो जाता है इंसान कई पर मैसेज जरूर आते होंगे भाजी भी जेडे पहला कहते हो भी आ तू की कर लेगा डिप्रैशन के चल गया कोई टोंट मारते होंगे यानी कि टोंट मारने वाले अपन अक्सर नैगेटिव बंदे बहुत मिलते हैं अज उन्होंने कई मैसेज जरूर आते हो क्योंकि अज एक ऑलरेडी हाइट दिनेश मोहन ने अचीव कर ली मेरा ख्याल है कि मेरे पुराने जड़े सरकमस्टांसिस मैं उन्होंने रियलाइज़ कर रहा कि दुनिया इंज थोड़ा कोई सिंसीयरली अपना है नहीं स्पेशली दफ्तर का जरा माहौल होंगे उत्थे कोई किसी का अपना नहीं दे आर जस्ट कोलीग्स सो किसी को कोई फर्क नहीं पिया शायद लोगों ने समझ लिया होना है कि खत्म हो गया होना है पता नहीं कितने गया कि गर्त चला गया जो मैं उठ के खड़ा होया तो पता लग गया होना है लोगों बट कई बार आप अपनी जलन के एक्नोलेज नहीं कर सकते दूसरे की अचीवमेंट नो सो चुपचाप देख रहे होने एंड आई एम ऑलसो हैप्पी कि ठीक है क्या बात है अच्छा सिल्वर फॉक्स ऑफ इंडिया तो लैके कई बड़े बड़े जो नाम ने वो थोड़े नाम ने मैं चाहता दर्शकों भी अपने जो थोड़े इनाम ने ना कि ब्रांड एंबैसडर हो तुम जरूर प्लीज़ दर्शकों के अगर दसो जी यस ब्रांड एंबैसडर आई हैव बीन वेरी लक्की और काफ़ी ब्रांड्स नू मैं एंडोर्स कर रहा अजकल इंस्टाग्राम के थ्रू फेसबुक के थ्रू क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है कम एडा चल नहीं रहा और फिर भी मैं बहुत सिलेक्टेड शूट्स कर रहा सोलो शूट्स कर रहा और बड़े अच्छे ब्रांड्स के कर रहा रीसेंटली भी किए हैं शूट्स मैं बट थोड़ा अवॉयड कर रहा हाल ही बिकॉज मैं लाइफ ज़्यादा प्यारी है और ब्रांड्स और कम तो इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इट्स नॉट माई लाइफ सो इस करके बाकी उपर वाले का और सब प्यार करन वाले का बहुत शुक्र गुजार हाँ कि इस एज विच भी मैनू लोग इस लायक समझते हैं कि मैं उन्हों ब्रांड्स नू रिप्रजेंट कर सकाँ और मेरे थ्रू उन्हों की सेल हो सके मैनू अपने आप एक अचीवमेंट लगती है इस इंडस्ट्री बहुत वड्डी मैं लगता जे हुण जिहड़े डिप्रैशन वाले जिहड़े मरीज़ होणगे थोड़ी देख के जिहड़ी वीडियो देखी होणगे उन्होंने एक बहुत वड्डी इंस्पिरेशन मिली होगी जिहड़े हुण साडे जिहड़े अज दी इह वीडियो देख रहे होणगे दर्शक जिहड़े लाइफ दे विच सोचदे होणगे ना वी यार मैं लाइफ दे विच की कर लूँगा मेरी लाइफ तो खत्म है क्योंकि कई बार लाइफ दे विच एक ऐसा पार्ट आउंदा है कि जबकि आपां नूं बिल्कुल ऐ लगदा वी लाइफ इत्थे स्टक हो चुकी है इस तों अगे कुछ नहीं पर मैनूं लगदा कि वह पार्ट लाइफ का एक ऐसा पार्ट होंदा जिथे तुसीं एक डिसीजन लैणा होंदा हाँ या ना सही या गलत का जे तुसी सही या गलत का डिसीजन चंगी तरह लै लो ना तो मैं लगता उस तो बाद जी जिंदगी है भाजी वो बाकियों वास्ते एक प्रेरणा बन जाती है कि लाइफ के पता लग जाता एक बंदा आया सी भाजी एंड दे विच मैं चाहूँगा द साडे दर्शकों के लिए
दो बोल जिहड़े तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे जिहड़े सरोते देख रहे ने तुहाडे चाहुण वाले ने साडे चाहुण वाले जिहड़े तुहानूं देख रहे ने जिहड़े किसी तरह तरीके नाल लाइफ तो स्टक ने रुठे हुए ने डिप्रैशन दे विच ने उहनां दे वास्ते की तुहाडे दो बोल होणगे। देखो दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उन्हें बिल्कुल रोन पिटन रोन धोने तो या शिकायतबाजी कंप्लेंट दे विच कभी भी नहीं बिताना चाहिए क्योंकि पलक चपकते ही सारी दुनिया बदल जाती है तुहाडे हालात बदल जाते हैं रिश्ते बदल जाते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है। सो जो भी है उन्हें एपरीशिएट करो चंगे नाल जीना सीखो हसो खेलो और मैं सिर्फ इको गल हर किसी को कहना कि लिव एंड लैट लिव। असी अगर वड्डी उम्र के हो गए हैं सानू कोई अधिकार नहीं है कि असी यंगस्टर्स दे हमेशा नुक्स कटते रहिए असी उन्हां दी बैक दे उपर एक पेड़ की तरह एक साए की तरह खड़े रहिए वह ज़्यादा बैटर है इस तो बजाय कि असी नुक्स कढ़ीए और बुराइयां करिए और वारी वारी उन्हां नू तंग करिए। सो लिव एंड लैट लिव खुला जियो खुला खाओ पियो हसो खेलो किसी तो कुछ लिया नहीं इत्थे किसी ने कुछ देना नहीं है सो जिंदगी नू एवें ना गवाओ प्यार करो अपने आप नू बहुत। सो दर्शको हुण मैं ये भी दस देवां कि मैं वीडियो स्टार्ट हुई तुसीं देख रहे होंगे मेरी ऐनक लगी हुई है मैं ना ऐनक तारती सी जब इंटरव्यू साडी स्टार्ट हुई सी तो भाई उन्होंने ना स्पैशल पवाई कहिंदे नहीं यू लुक ग्रेट तैनु पाउणी चाहीदी है फिर मैं इस करके मैं लगता पहली वीडियो है जिहदे विच मैं ਮਲਾਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਏ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਲਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।